तो आप लोग सोच रहे होंगे हम कहाँ जा रहे हैं। तो मेरी प्रिय बहन वापस अपने ससुराल जा रही है। और मैं भी उसके साथ लपक रहा हूँ इस अपॉर्चुनिटी में घूमने की। अब हल्द्वानी जाके घूमेंगे वहाँ। हमें छोड़ने पूरी फैमिली जा रही है, दोनों भी जा रहा है, दोनों। तो गाइस 8:30 की हमारी बस है एंड वी आर रनिंग लेट एज ऑलवेज। ऊपर से ट्रैफिक लगा हुआ है यहाँ पे। सो गाइस वी हैव फाइनली अराइव्ड बेरली ऑन टाइम। घर वालों ने हमें छोड़ दिया है। पापा रोना मत वापस। ब्रूनो अरे आ जाएगी वापस फिर से। ब्रूनो बाय। ब्रूनो को बाहर निकलने की इजाजत नहीं है। आगे बैठ जाओ ना। घर वालों ने हमें छोड़ दिया है। ब्रूनो बाय। ब्रूनो सोच रहा कहाँ जा रहे हैं हम। तो गाइस हमारा स्टैंड नंबर है 160 और हम एकदम अपोजिट उतर चुके हैं। बहुत दूर है यहाँ से 160। सरप्राइज गाइस, ये घोड़ी भी हमारे साथ आ रही है। तो हम बस में बैठ चुके हैं। लेट द जर्नी बिगिन। सुनाई भी नहीं दे रहा, थोड़ा जोर से तो बोल। तेरे ब्लॉग में थोड़ा सुना रही हूँ, बता। अबे यार तो भाई व्यूअर्स को भी सुनाना, वो भी तो थोड़ा एंजॉय करे। यहाँ पे एक लड़की डिजिटल मार्केटिंग सीख रही है। पिटाई हो जाएगी। भाई मेरे दांतों में तो बीच में गैप है, तो वो दांतों के बीच से निकल जाता। रितु का रितु तेरा क्या एक्सक्यूज है? मेरा बस तेरे दांत बाहर है इसलिए। जुबान लग जाती है। इसके दांत बाहर है ना, तो इसके दांतों से नीचे से निकल के आ जाता है। जुबान ऊपर है तो लग जाती है। तो गाइस काफी टाइम बाद बस, काफी टाइम देर बाद बस रुकी है। मेरी तो भूख से हालत खराब हो गई थी मेरी भी। और रुकी भी बड़ी बेकार जगह है। अभी मैं गिरते गिरते बचाऊं। देखो रेड टेप की पड़ी हुई है। परांठे कौन खाता है रात को? क्या है मेन्यू? है ही नहीं परांठे, है ही नहीं। पराठा ही करा ले पनीर का। पनीर पराठा इज मस्ट जब भी मैं जाता हूँ कहीं भी घूमने। फाइनली पराठे आ गए हैं। टेस्टी तो लग रहे हैं, टेस्टी तो लग रहे हैं। मैं बहुत टाइम बाद इतनी एक्साइटेड हूँ कुछ खाने के लिए। कितना ही खाएगी तो चम्मच है चमचा है। इसमें ना गोवा की आबादी उठा लो। इतनी कम है क्या गोवा की आबादी? अबे तुमने तीन मंगाया है क्या? दो आलू की और दो एक पनीर का। ओके खुद को कवर कर लेना अपने ब्लॉग। भाई मैं कह रहा हूँ धीरे भाई, धीरे धीरे करके लोग निकल रहे हैं भाई। कहीं पतला हम रह गए यहाँ पे कोल्ड कॉफी और चाय के चक्कर में। अब मैं खुद को कैसे रिकॉर्ड करूँ ये बता? ऐसे तो मेरे को बार बार घुमाना पड़ेगा ना ऐसे करके। मुझे मत दिखाओ, मुझे बहुत कैमरा वो होता है कॉन्शियस।
अपने असली रूप में नहीं आ पाते कैब के सामने। क्या है तेरा असली रूप? तूने देखा हुआ? मैंने नहीं देखा हुआ, दिखाओ मुझे अपना असली रूप। ये बातें बताई नहीं जाती। अब मैं तेरी ऐसी बहुत बढ़िया गिर जा गिरी भी तो है ही, तो गिरी भी इंसान तो है ही है। आगे गिरूंगी, आगे बढ़ती रहती हूं। बैड जॉब सो जा फिर। ये तो बता दे परांठे कैसे थे? तुझे तुझे बोलना चाहिए कुछ? तो आप सच बोल, आप सच तो पता नहीं, बट ये बहुत गंदी हो रही है। मैंने इतने नहीं मंगाई को ना, बिल्कुल कॉम्पाउंड नहीं कर सकती कोल्ड कॉफी के साथ। ऐसा लग रहा है मतलब कसम से सिर्फ दूध भाई, दूध भी नहीं, दूध भी ऐसा लग रहा है भैंस का नहीं है, सॉरी मतलब गाय का, ऐसा लग रहा है बकरी का भैंस, बकरी का दूध। बकरी का दूध तो बहुत होता है मेरे ख्याल से, गोट का दूध तो बहुत होता है ना, क्या बोलते हैं उसे, पौष्टिक रेयर। क्यों बकरी नहीं होती जो उसको दूध दे? हां जो भी है, ये मैं सुना था कैंसर पेशेंट पीते हैं। That's why I ordered chai. Guys, जो लड़की गर्मियों में भी चाय पिए वो कभी धोखा नहीं दे सकती। तो guys, we have finally arrived at our destination. और हमारे जीजू आ गए हमें पिक करने के लिए। और क्या, हम तो मनाते हुए आ रहे पूरे रास्ते। ये ब्लॉग तो अलग होगा ना? अलग होगा ये तो, हाँ मतलब इट्स लाइक अ टीजर टू अ नैनीताल ट्रिप। टीजर मतलब वो 8 मिनट का टीजर। हाँ मतलब नहीं, मैं आगे रख दूंगा। मतलब मैंने तो सोचा था कि भाई 4-5 मिनट का बनाऊंगा ये वाला, बट ये 8 मिनट का बन चुका ऑलरेडी। ये भी रख दो, रख दो, बट कोई नहीं, हल्का ही है ये, ज्यादा लंबा ट्रेलर बन गया। हम की तरह जो आशु वाला है, क्यों गर्मी में सुनसान सड़क, अभी कितनी गर्मी, पहलवान की गई है क्या सुनसान है गाड़ी क्या, खाली रात में 2 बजे पहुंचेगा भीड़ दिखेगी। क्या दिखेगी? भीड़ दिखेगी तेरे को 2 बजे वाले में सोया। अच्छा भीड़, मुझे लगा कह रहा भीड़ दिखेगी, तो फाइनली हम पहुंच चुके हैं हमारी बहन के घर और इस व्लॉग को यहीं एंड करते हैं। तुम्हें कुछ कहना है? इस व्लॉग को यहीं एंड करते हैं, टू बी कंटिन्यूड नेक्स्ट व्लॉग।